मम्मी आप क्या देख रहे हो? अरे आज से नया सीरियल लगने वाला है, वही देख रही हूँ। क्या यार मम्मी, ये सारी सीरियल की स्टोरी तो एक जैसी ही होती है हर बार। हर बार सीरियल की स्टोरी अलग होती है, समझा ना? हर बार यही बोलते पर हर सीरियल की स्टोरी एक जैसी होती है। हर बार हीरोइन का दुपट्टा हीरो के ऊपर ही जाके गिरता है। अरे मेरे दुपट्टा, मेरे दुपट्टा। चाहत के फिर पहली मुलाकात में हर बार हीरो और हीरोइन का झगड़ा होता है। ओ मैडम, आप अपना दुपट्टा संभाल नहीं सकती। एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये हवा की गलती है, मेरी गलती से आपके ऊपर दुपट्टा नहीं गिरा है। अच्छा ठीक है, अभी आपको ये दुपट्टा नहीं मिलेगा। व्हाट मिस्टर अग्रू, मेरा दुपट्टा दीजिए। ओ नो, मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। जाओ, आपको जहां जाना है ना जाओ, जहां कंप्लेंट करनी है करो, मैं आपको ये दुपट्टा नहीं दूंगा। ओ मैडम, आपका दुपट्टा लीजिए। हाँ पे, तुमने मेरा दुपट्टा कैसे फेंक दिया? फिर कुछ दिनों बाद फिर से एक दूसरे से टकराते हैं। आराम से चलिए, धीरे धीरे। हाँ चलिए चलिए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मेरा सहारा बनने के लिए। आजकल तेरे जैसे बहुत कम मिलते हैं जो बुजुर्गों का सहारा बने। चलिए आगे आपका मंदिर। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुझे बहुत अच्छी सुंदर और सुशील बीवी मिले और तेरा परिवार हमेशा खुश रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर 4 महीने वो झगड़ा ही करते रहते। आ गई तुम फिर से? एक्सक्यूज मी, मेरे पीछे पीछे तुम यहाँ भी आ गई ना? ओ हेलो, मेरा मंदिर आने का प्लान पहले से ही था, आप ही मेरे पीछे पीछे आया रहते हैं। बाय द वे थैंक यू। थैंक यू क्यों? उनकी मदद करने के लिए। और उसके बाद फिर से एक बार मिलते और फिर तब जाके उन दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी प्यार की बातें शुरू होने लगती है। फिर उनका प्यार 6 महीने तक चलता है। 10 महीने की सीरियल हो गई, फिर 6 महीने बाद जाके उनका प्यार आखिरकार हो ही जाता है। पर उसके बाद फिर माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलना बेटा। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। वो कितने बड़े घर का है पता है? इन अमीरों से दूरी रहा करो तुम, उसकी माँ तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। रहने दो, तुम उसको मत डालो, बच्ची है अभी, समझ जाएगी। बेटा ये अमीर जो लोग होते हैं वो हर बार हम गरीब लोगों का इस्तेमाल करते हैं, हमें फंसाते हैं, उनका हर बार कोई ना कोई मकसद होता है बेटा, उसमें तुम मत फंसना बेटा। हाँ बेटा, हमारी सुन ले बेटा, तेरे पापा ने तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है, एक बार तू उसे देख ले बेटा। तुम उसको फोर्स मत करो, अगर उसे अच्छा लगा तो वो खुद ही आकर मुझे बता देगी। अब इधर सीरियल लेती है 6 महीना और फिर आखिरकार जाके दोनों के घर वाले मान जाते, फिर होती है उनकी फाइनली शादी। पर सीरियल की कोई भी शादी हैप्पी नहीं होती। अरे ज्योति कहाँ है? वो अपने कमरे में लीजिए, शादी के लिए तैयार नहीं है। उसको जल्दी बुलाओ, पंडित जी बुला रहे हैं। शादी के बीच हीरोइन किडनैप हो जाती है। अरे दुल्हन किडनैप हो गई। ज्योति, अरे मेरी बेटी।
फिर 4 महीने हीरोइन को ढूंढने में लगते हैं। ज्योति, रोमच, अभी मैं आ गया हूं ना, अब मैं तुम्हें यहां से लेके जाऊंगा। फिर फाइनली 2 साल बाद हीरो और हीरोइन की शादी हो जाती है। अभी आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए, अभी वधू को सिंदूर लगाइए, विवाह संपन्न हो गया है, आज से आप दोनों पति पत्नी। अब शादी के बाद तो सब कुछ हैप्पी होना था, पर नहीं, सीरियल में हर बार शादी के बाद एक बड़ा ट्विस्ट आता है, और वो है हर सीरियल में पति पत्नी और वो होता ही है। फिर 7 महीने हीरोइन रोती रहती है और हीरोइन के साथ सब रोते रहते हैं। फिर उसके बाद फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। आज तो काफी खूबसूरत भी हो तुम, पर अब सास हीरोइन के पीछे लग जाती है। बाबू, क्या हुआ सुषमा? कुकर में से चने तुमने निकाले थे? नहीं, झूठ मत बोलो। तुम ही किचन में गई थी, गैस पर मैंने कुकर रखा था, कुकर में से चने तुमने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। फिर इतनों सी बात के लिए हीरोइन को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तो इस घर के बाहर जाओ। नहीं नहीं सुमा, नहीं मुझे नहीं, चलो चलो, नहीं सुमा, अपनी ये शक्ल फिर से मुझे मत दिखाने आना। फिर अचानक हीरोइन का एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं होती, ये खत्म ही नहीं होती सीरियल। हीरोइन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद फिर आ रही है वो फिर से। जुँ, 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 ए, जुँ, 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 ए, जुँ, पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जन्म हीरोइन का, फिर से आ रही हीरोइन वही। अरे हाँ, फिर से वही हीरोइन आ गई है, कितनी सुंदर है ना वो, अभी बहुत मजा आएगा लगता है सीरियल में। हाँ बहुत मजा आएगा। और ये नॉनस्टॉप कहानी हमेशा से ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। हमारी मम्मियाँ कितने प्यार से सीरियल देखती हैं, उनको पता होता है कि सीरियल में आगे क्या होने वाला है, पर फिर भी उनकी देखने की उत्सुकता कुछ और ही होती है। एक दिन टेम्पल रन खत्म हो जाएगी, पर इनकी ऐसी सीरियल कभी खत्म नहीं होगी।